हेलो दोस्तों, अगर आप भी पबजी गेम के अंदर स्क्वाड गेम प्ले करें और दोस्तों जैसे स्क्वाड गेम प्ले करते हो तो दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम आती है, योर मेरिट इज लिस्ट देन 66 अनवेलेबल टू स्टार्ट मैच, प्लीज़ फॉलो द कोड कंडक्ट एंड हेल्प यूज क्रिएट ए द गुड गेमिंग एनवायरनमेंट। तो दोस्तों अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊं कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ आपने करना ये है कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको फुल डिटेल से समझा सकूं, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यार हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि यार ये जो प्रॉब्लम है ये आपको क्यों आती है। दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको इसलिए आती है कि दोस्तों आप स्क्वाड गेम खेल रहे हो तो स्क्वाड गेम में आप क्या करते हो कि आप अपने स्क्वाड के बंदे को आप मार देते हो, या आप बॉम्ब से मार देते हो, या आप जो ना कोई किसी और तरीके से आप जो ना अपने स्क्वाड के बंदे को मार देते हो, जिसकी वजह से आपको आपका जो मेरिट है वो गिर जाता है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है कि यार आपने सिंपल ये करना है कि अपने मेरिट को जो ना आपने बढ़ाना है। तो दोस्तों मेरिट को कैसे बढ़ाना है ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि यार आपने मेरिट अपना चेक कैसे करना है, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि यार आपका मेरिट कितना हो गया और कितने पे जो ना आप आपका जो स्क्वाड गेम है वो प्ले होगा। ठीक है दोस्तों मैं अभी पबजी की गेम को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो ना यहाँ पबजी की गेम को ओपन कर लिया। ठीक है, अब आपने सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपली ये करना है कि आपने अपना मेरिट चेक करना है। ठीक है, यहाँ आपकी प्रोफाइल आपको दिख रही होगी, वहाँ जो ना आपने क्लिक करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आप ऊपर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, सिंपली यहाँ आपको मेरिट सिस्टम का जो है ना एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मेरिट सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर जो है ना आपने क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो मेरा जो मेरिट है वो अभी 100 है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो मेरिट होगा वो गिरा हुआ होगा। ठीक है, वो 66 होगा या 62 होगा या 52 होगा, जितना भी होगा। तो दोस्तों आपने क्या करना है, अपने मेरिट को 100 पे लाना है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ देख सकते हो मेरा जो मेरिट है वो 100 पर है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर जब तक 100 पर नहीं होगा तो आप स्क्वाड गेम प्ले नहीं कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने क्या करना है, मेरिट कैसे बढ़ाना है। मेरिट आपने ऐसे बढ़ाना है कि यार आपने सिंपली क्या करना है, मैप के ऊपर जाना है। ठीक है, मैप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। मैप के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, तो दोस्तों मैप के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो फोर ऑटो मैचिंग TPP आपने यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर जो ना आपने क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर दोस्तों आपने क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको जो है ना सब जो ना प्लेयर की वो आ जाएगी। ठीक है, डिटेल आ जाएगी। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जो ना क्या करना है, स्क्वाड गेम को हटाकर आपने जो ना सिंगल पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, आपने दो बंदों वाला भी नहीं खेलना और चार बंदों वाला भी नहीं खेलना है। तो सिंपली आपने जो ना सिंगल वाले पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो मैंने सिंगल वाले पे सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों इस तरह आपने सिंगल वाले पे सेलेक्ट कर लेना। और दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने बार बार जो ना सिंगल में गेम खेलना है। ठीक है, सिंगल प्लेयर में आपने गेम खेलना है। ठीक है, और जिस तरह आप खेलते जाओगे आपको पता भी चलता जाएगा कि यार आपका जो मेरिट है वो कितना हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, आपने बार बार गेम सिंगल प्लेयर में आपने बार बार गेम खेलना है। और दोस्तों फिर उसके बाद आपने चेक करना है कि यार मेरा जो मेरिट है वो कितना हो गया। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जैसे ही आपका 100% मेरिट हो जाएगा तो दोस्तों आप जो ना स्क्वाड गेम भी फिर प्ले कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, सिंपली फिर क्या करना है, आपने क्या करना है, दोबारा फिर जब आपका मेरिट 100 हो जाना है तो फिर आपने यहाँ दोबारा स्क्वाड वाले पे चार बंदों वाला स्क्वाड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर सेलेक्ट करोगे तो फिर आप जो ना स्क्वाड गेम जो ना खेल सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।